आज मैं खेलने वाला हूँ पोकेमोन बट इन माइनक्राफ्ट एके पॉबल मोन। इसके साथ मैंने लिया है क्रेल नाम का एक मोन जो कि है एक बायोम्स एंड स्ट्रक्चर एक्सपेंशन मोन। जिस सोचा कि ये अपने पॉबल मोन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देगा। और मैंने लिया इसके साथ एक चैलेंज जिस चैलेंज पे मैं अपने स्टार्टर पोकेमोन को इसके थर्ड स्टेज तक पहुंचाऊंगा एनी हाउ। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं एक अनजान से वर्ल्ड पे आ गया था जिसका नाम मैंने रखा था ले लीजिए। उसके बाद मैंने अपने पोकेमोन को चूज किया जो कि था मेरा प्यारा बिल्लू। फिर मैंने माइनक्राफ्ट के तीन बेसिक काम किए जो कि था लकड़ी तोड़ना, उनसे प्लैंक बनाना, फिर उनसे क्राफ्टिंग टेबल एंड देन वुडन टूल्स। उसके साथ ही मुझे मेरा सबसे पहला शिकार मिल गया था जिससे मैं लड़ने गया और मैंने अपने बिल्लू का बलि दे दिया। उसके बाद मैं एडवेंचर पे निकल पड़ा जहाँ पे मुझे मेरा सबसे पहला एप्रिकॉन का ट्री मिला बट अनफॉर्चुनेटली उस पे एक भी एप्रिकॉन नहीं था इसलिए मैं वहां से कट लिया। फिर मैं थोड़ा स्टोन कलेक्ट किया, अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाए जिससे मैंने थोड़े कॉपर और कोल कलेक्ट किया। उसके बाद मैं जा ही रहा था कि मुझे एक केव मिला तो सोचा कि थोड़ा माइनिंग क्यों ना किया जाए और माइनिंग के साथ ही मुझे दो सनस्टोन मिला जिसका यूज मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर मैं कुछ टाइम तक माइनिंग किया जिससे मुझे और रिसोर्सेज मिल गए, उससे मैंने एक हीलर बनाया पर अनफॉर्चुनेटली उस पे चार्ज नहीं था। फिर मुझे मेरा जानी दुश्मन दोबारा मिला और इस बार मैंने उसे पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद मैं ऐसे ही चल रहा था कि अचानक मुझे एक कैसल मिल गया। निखिल उसके पास जाते ही पता लगता है कि वो सिर्फ एक कैसल नहीं था, वो पूरा एक मॉडिफाइड विलेज था। फिर मैं सारा चेस्टों में हाथ मारने लगा इसी उम्मीद में कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए एंड ट्रस्ट मी मुझे एक डायमंड का पिकैक्स मिल गया विथ अनब्रेकिंग एंड दो और एक्स्ट्रा डायमंड्स। फिर मुझे मेरा जानी दुश्मन दोबारा मिला और इस बार भी मैंने उसे पूरा खत्म कर दिया। फिर उस मॉडिफाइड विलेज में ऐसा कुछ रखा नहीं था तो मैं वहां से निकल लिया। दिन जैसे जैसे मैंने एडवेंचर किया आगे बढ़ा मुझे नए नए एप्रिकॉन ट्रीज मिलते गए और मैं कलेक्ट करता गया। फिर मैंने अपना बेस का जगह ढूंढा जहाँ पे मैंने अपने सबसे पहले पोकेबॉल्स बनाए। उसके बाद मैं अपने बेस पे थोड़ी देर के लिए काम किया, फिर मैं अपने सबसे पहला पोकेमोन पकड़ा जो कि था एक सूअर के शक्ल का बंदर। फिर मेरा बिल्लू एक नया मूव सीखा जो कि था फायर फैंग। फिर मुझे ये सोए हुए पोकेमोन मिले एंड जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैंने इस चूहे को पकड़ने का सोचा विदाउट एनी फाइट एंड सरप्राइजिंगली वो पकड़ में आ गया और ऐसे ही मैंने अपना सेकंड पोकेमोन एक चूहे को चुना। फिर मुझे मिला एक तीन पूंछ वाला बैल और ये जानते हुए भी कि मेरा पोकेमोन का सिर्फ वहाँ पे बलि चढ़ेगा मैंने फिर भी उससे पंगा लिया। ये बात तो साफ था कि मेरे पोकेमोन मुझसे नफरत करने लगे हैं। अब मैं इस डिट्टो को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि फिर से मेरे कुछ पोकेमोन की बलि चढ़ गया। अब इतना भी काफी नहीं था कि मैं गलती से उसे मार भी दिया और मेरे पोकेमोन की बलिदान व्यर्थ हो गया। वाओ, अब तो मैं खुद को भी हेट करने लगा हूँ। फिर मैं इसे पकड़ने की कोशिश किया, निकल ये भी मर गया, क्या किस्मत है भाई। बट सून ही थैंकफुली मैंने दूसरे को पकड़ लिया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैं अपने बेस पे काम किया। फिर मैं एक बड़ा ही क्यूट सी गिलहरी को पकड़ा जो कि बड़ा ही क्यूट था। उसके बाद सडनली मेरा बिल्लू हो चुका था एवोल्यूशन के लिए रेडी और सून ही मेरा बिल्लू बन गया भागड़ बिल्ला। तुम लोग कमेंट में इसके लिए एक अच्छा सा निकनेम चूज जरूर करना। फिर मैंने कुछ फाइट लिए, उसके बाद घर पे थोड़ा सा काम किया, एक घोड़ा पकड़ा, एक तितली पकड़ा और इसी बात पे ताली हो जाए। उसके बाद एक कबूतर पकड़ा। फिर मैं अपने घर पे जी जान से मेहनत किया और उसे भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने अपना पूरा फोकस अपने बिल्लू के थर्ड एवोल्यूशन के लिए लगा दिया। निकल बीच में मुझे पता लगता है कि मैं अपने जुबेट को अपने कंधे बिठा सकता हूँ और वो मुझे इन्फेंट फेदरवलिंग का इफेक्ट देगा। दैट इज ग्रेट। देन मैं घर जाके एक पीसी बनाया ताकि अपने पोकेमोन को थोड़ा बदल सकूं। फिर शुरू हुआ मेरा हार्ड कोर लेवलिंग अप। विदाउट एनी पॉज मैं अपने भागड़ बिल्ला को उसके थर्ड फॉर्म तक ले आया और इसी के साथ इस वीडियो का चैलेंज भी खत्म हुआ। बट एक सेकेंड, ये वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बोलना है और मैं चाहता हूँ तुम लोग उसे पूरे दृढ़ता के साथ सुनो प्लीज। तो मुझे तुम लोगों को बताना है कि मैं इतने महीनों से कहाँ था। आई मीन लिटरली मेरा लास्ट वीडियो पूरे 7 या 8 महीनों पहले अपलोड हुआ था और नहीं, मुझे कोई चील या कौवे उड़ाकर नहीं ले गया था अगर तुम लोग सोच रहे हो तो, बल्कि मेरे पेरेंट्स का विश फुलफिल करने में लगा था जो कि था अपने पढ़ाई को कंप्लीट करना और ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना। अगर मैं ये करने से इनकार करता, जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, निकल अगर करता तो माँ बेलन मेरे पीठ पे तोड़ता वो अलग, मेरा पप्पा ना चप्पल ना बेल्ट सीधा ईंट फेंक के मारता मेरे ऊपर। तो इसलिए थोड़ा सोचा कि थोड़ा वेट किया जाए और अपने ग्रेजुएट को कंप्लीट किया। निकल अब मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया है एटलीस्ट 1 ईयर देने के लिए अपने टाइम को यूट्यूब पे, और अगर इस 1 साल में मैं अपने चैनल को स्टेबल नहीं कर पाया तो तब मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने यूट्यूब को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए तुम लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है कि इस चैनल को थोड़ा स्टेबल करने में मेरा सहायता करो। इसी बात पे लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, कमेंट भी ठोको एंड पीस आउट।